चलिए प्रदेश प्रोग्राम थोड़ा सब का स्वागत है। आज असि थानू लेके चल रहे हैं ग्लोबल फ्लायर्स नियर बस स्टैंड लोपो रोड बदनी कलां। इत्थे आयल्स दी कोचिंग दिती जांदी है। इस दे नाल नाल बाहर जाने वाले विद्यार्थियों दे लई स्टडी वीज़ा, सैर करन जाने वाले टूरिस्ट दे लई टूरिस्ट वीज़ा, PR वीज़ा और ओपन वर्क परमिट दी सुविधा भी उपलब्ध है। अगर तुसी भी बाहर जाने दे शौकीन हो तो ग्लोबल फ्लायर्स नाल जरूर कॉन्टैक्ट करो। सारी टीम ने इत्थे ट्रेनिंग लै रहे स्टूडेंट्स दे नाल गलबात की, जिन्होंने ग्लोबल फ्लायर्स की बहुत तारीफ की। ग्लोबल फ्लायर्स का स्टाफ बेहद मेहनती और तजुर्बेकार है। सारी टीम ने इतों के स्टाफ नाल गलबात की। आओ चलते हैं ग्लोबल फ्लायर्स बदनी कला। सर, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्लोबल फ्लायर्स। आज अस देख रहे हैं कि राइटिंग टास्क के बारे में बच्चों डिस्कस कर रहे हो और धीरे धीरे करके हर चीज़ में अटैच कर रहे हो और उस वे पढ़ा रहे हो कि जिस कोई चीज़ डिफिकल्ट ना लगे और उन्होंने मतलब पढ़ने भी इंटरस्ट जैक्रिएट रहे। की कहना चाहोगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहना कि जी जो भी आप इतने टास्क करते हैं, भावें राइटिंग टास्क है भावें स्पीकिंग टास्क है, ठीक है। सो बच्चे सब तो पहला बेसिक की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। जिन्ना चर बच्चे को बेसिक नॉलेज नहीं है कि आप चीज़ किस बारे लिखनी है या किस चीज़ में देख के लिखनी है, तो आप चीज़ को अकम्पलिश नहीं कर सकते। सो जे आप वधिया बैंड स्कोर्स लेने हैं, ठीक है। सो एक तो प्रैक्टिस पर डिपेंड है सारा कुछ, बच्चा कितनी प्रैक्टिस करता, खुद सैल्फ प्रैक्टिस कितनी करता, क्योंकि इतने असी एक उन्होंने एक सिर्फ एक वे दिखा सकते, एक रास्ता दिखा सकते, तुरना उन्होंने खोद है। तो जिन्ना चेर बच्चा खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा उन्ना चेर वो मतलब वधिया बैंड स्कूल नहीं लै सकता। और जिस तरीके स्लोगन हैगा कि धीरे धीरे यदि हम ब्रांचिज भी जा रही ने ग्लोबल दियाँ, कोटपुरा भी हूँ, गांव मोगा भी खुल रही है, की कहना चाहोगे कि दिनों दिन जी है इंस्टीट्यूशन बढ़ रही है और जो इतों के डायरेक्टर ने उन्हों का माइंड सैटअप यह भी बच्चे जो आते हैं पिंडी पेंडू बैकग्राउंड तो या शहरी बैकग्राउंड तो जितों भी आते हैं बच्चे, मतलब उन्होंने असं एक विद्या का दान ही देना। हाँ जी, कोई शक नहीं कि जो ग्लोबल फ्लायर है दिनों दिन अपने ब्रांचिज वधा रहा। इसका कारण यह भी है कि जो इतों की आप एजुकेशन सिस्टम है, जो जिस तरह बच्चे पढ़ाया जाता, बच्चे खुद आते हैं इतने, जो अपने रीसेंट रिजल्ट ने दसते हैं कि रिजल्ट एजुकेशन कितना की प्रोवाइड की जाती है। बदनी कलां के बेसिकली ब्रांच का यह मोटिव से कि इतने जो अपने छोटे 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 पिंड ने जो विलेजिस ने नियर जो अपने नियर बाय विलेजिस ने, सो उत्थे बच्चों को आप वधिया एजुकेशन प्रोवाइड कर सकीए। और बच्चे जिहड़े कि अजकल इंटलैक्चुअल ने पूरे और गूगल यूट्यूब इंस्टा सारे चीज़ों तो वाकफ होंगे ने, तो थोड़ा जहा मानते हो भी जिम्मे पढ़ाई ने नाल पढ़े भी जाने इन्होंने? हाँ जी, हाँ जी जरूर। एज अ टीचर मैं ये मानता कि मैं इन्होंने तो बहुत चीज़ा सीखना, क्योंकि एज अ टीचर मैं मेरा एक दिमाग है तो क्लास के पाँह बच्चे ने तो पाँह दिमाग ने। सो कई बार आपको मैनू कोई यह जी चीज़ नहीं पता होंगी जो बच्चे मैं खुद दस देंगे, है ना, क्योंकि ये डेली बेसिस के उत्ते गूगल यूट्यूब यूज़ करते हैं। सो ये नवी नवी चीज़ा सीखते रहते हैं, सो एक क्लास के भी शेयर करते हैं। सो इन्हों का जिदा कि आप वट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, तो बच्चे को कहा हुआ कि जिदा भी कोई भी नवी चीज़ मिलती है सो तुम शेयर कर सकते बाकी बच्चों, ता जो आप जो नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज जिनी वंडी जाऊगी उन्नी वधी है। सर, अज मेरा कोर्स भी है इतने, जिस दिन मैं फस्ट डे आई सी मैं डेमो लिया, मैं वधिया लग्या, उस तो बाद मैं ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। और जिदा बाहर बोलते थे कि वधिया कराते हैं टीचर वधिया ने नॉलेज उन्होंने वधिया वे उन्हों का पढ़ाने का वधिया लग्या कि उही ग्लोबल फ्लायर जिदा कह रहे लोग बाहर उही गल। हाँ जी बिल्कुल। गुड कितने महसूस कर रहे हो पढ़ के? और किहड़े कंट्री दे जाण दा तुहाडा माइंड है? कनेडा दे। लगता जहाज नेड़े आ गए बेटा, किदा दी बॉडी लैंग्वेज सी जदों स्टार्ट करना सीगा और हुण किदा दी? सर बहुत ज्यादा फर्क पिया वा, पहला 5.5 तक दा स्कोर सीगा बट हुण 7.5 तक दा। तो बेटा किदा दा वे है टीचिंग दा टीचर्स दा? सर बहुत वधिया। और धीरे धीरे समझ आ रहा सारा कुछ? हां जी सर, बहुत वधिया। एंड एंजॉयिंग? हां जी सर। बेटा किदा लग रहा पढ़ के इत्थे? सर बहुत वधिया लग रहा, जदों मैं स्टार्ट कीता सी उदों मैं बहुत वीक सी बट हुण मैं इतना कॉन्फिडेंट है वी मैं कर सकदी हां। बेटा जिदा इंग्लिश स्पीकिंग तो पहले थोड़ी जी आने लगता सी, इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी जी औखी, हुण धीरे धीरे लग रहा भी आज बेटा किदा महसूस कर रहे थे? और पेरेंट्स भी पूरे खुश लग रहे, उन्होंने भी अखा च भी बाहर वाला जो खतरा तैयार हो रहा। बेटा किदा महसूस कर रहे हो? किन्ने बॉडी लैंग्वेज फर्क आया पहला स्टार्टिंग किदा सी? बेटा कितना महसूस कर रहे थे पढ़ के?
I am feeling better than before because with the help of Global Flyer, I can get good band score in the writing, reading or listening. And with the help of good staff, I don't face any kind of problem, and I don't face any difficulty to prepare the exam. And all the staff are very good and good. Yes, sir. जो मैं पहला इतने ज्वाइन किया मैंने खुद में यकीन नहीं कि मैं इतना आईलैट्स कर सकता गा पर जो हम मैं लग्या गा तो मैं बहुत वाइया लग रहा है बहुत वाइया पढ़ाते हैं टीचिंग बहुत करते टीचर बेटा लगता मेहनत करनी सिखाती इन्होंने हाँ जी सर लगता है पूरे लगते हैं सिखाती पहला डर लगता है भी ये मुझे बोलने तो पर हम सीख जाए हौली हौली बेटा कि लग रहा पढ़ के इतने It is good when I joined this institute because firstly I faced number of problems when I also joined number of institute in Madhani Kala but now I am very happy because I got good marks in writing and reading as well and now I will get my DRVR score in that institution which is very good and the staff member is very polite and they solve all type of problems which I faced in this institution and I will recommend my relative and my friend to join this and it is very helpful institution for students beta kitna mehsoos kar do sir bahut badhiya aur pehla de naalo mindset up pehla jadon lagna si ga uddu pehla te hun angrezi de vich kafi matlab hoya haan ji bahut improve beta kitna mehsoos kar do aur kitna da change aayi hai tade ch lagda tonu ki jadon pehla हैजीटेशन जी सी इंग्लिश तो जिदा हम इंग्लिश स्पीकिंग है अखबार ने पढ़ने अंग्रेजी के जो ट्रिब्यून जो इतने आ रहा है कमेंट्रियां सुनिया तो वाइया लग रही हैं सुन I feel very good here and I don't have knowledge about it but right now I got a lot of knowledge about writing topic and speaking good. So I feel very comfortable here I feel very comfortable here according to me this is the best institute of my district and I personally recommended many of my friends about this institute because I learned a lot of activities and really improved my all skills just because of all staff members because all are very hard working and cooperative most importantly I built lot of confidence in speaking and other but my institution jadi rounding development karandi bachchan di aur personality development de utte zyada tusi emphasize karde ho bachchan di body language de upar bachchan nu har tarah de naal ki unna ne ek naye country ch jana naye logan naal milna naye desh jana oh cheez nu dhyan ch rakhde ho tusi itthe seva kar rahe ho apni aur teaching jehde tade teachers hage ya teacher student ratio vi badi ghat hai ki kehna chaho सर एक्चुअली देखो स्टूडेंट्स ने इतने मतलब एक्सट्रा क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं जिदे विच परसनैलिटी डेवलपमेंट उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होंगे आ लाइक ग्रुप स्पीकिंग दे विच देखो स्टूडेंट्स कहते हैं कि साडा कॉन्फिडेंस नहीं क्लास दे विच बोल नहीं सकते है ना असीं तां उहदे विच बच्चों क्लास दे विच उहदी डिबेट वगैरह करवाई जाती है ना जिदे विच कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होंगे आ है ना ते मोर ओवर के स्टूडेंट्स एट फ्रंट ऑफ सोसाइटी भी बोल सकते हैं ना जिथे कि देखो जिथे उन्हें स्पीकिंग देन जाना है दे डोंट नो उत्थे कौन आ रहा है ना तो अननोन परसन के अगे भी मतलब कि उन्होंने एबिलिटी हो जाती है बोलन की और तुहाडा जिहड़ी बैकबोन है तुहाडा डायरेक्टर हैगा जिहड़ा जिहदा एक मिशन हैगा कि मैं बच्चों विद्या का दान देना है जिदा तुहानू काउंसल करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके नाल पढ़ाना देखो सर ये तो बच्चों के हायर रिजल्ट ही शो करते हैं ना कि देखो उन्होंने ट्रस्ट बनया हुआ है जिदा उन्होंने मैक्सीम बैंड स्कोर आ जाते हैं सर प्रोवाइड करवाते उन्होंने स्कॉलरशिप्स भी है ना कैनेडा दे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज दिया जिदे करके बच्चों का जो फाइनैशियल मतलब कि हैल्प होंगी है एक हिसाब न कि बच्चों फीस पे करने के भी हैल्प होंगी है बेटा जिनी छोटी जी एज टीचर बन गए हो कि बैंड आए हैं और की कहना चाहोगे मेरे बैंड मतलब कि एड्स का तो कुछ होंगे नहीं है ना जो बंद की खुद के डिपेंड करता कि कितना हार्डवर्क करता वो इंसान जो बंदा कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करेगा तो भी हायर बैंड स्कोर्स आ सकते हैं अराउंड ਸੋ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਡਸ ਕੋਲ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡਸ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਅਚੀਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਟ ਯੂਅਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰਸ ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਵਾਈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਓਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਨਸਰਨਡ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਸਪੀਕਿੰਗ I will taking speaking classes here and students don't know how to speak in front of any people they feel hesitation in front of others and and you play a role of a point of battery you tell them how to speak how to gain your confidence yes I tell how to speak in front of others with full of confidence and now the students have ability to speak in front of any people like when they go to abroad they know how to talk with people and easily get any type of job there well I got 7 bands in speaking and I always tell my success stories to children how to talk with each other and how to ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਈਲੈਟਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਐਮ ਪੀ ਰਜਤ ਪਾਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦ ਇਨ 4 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਔਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਔਫਰ ਲੈਟਰ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਟੇਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 2 ਇਅਰਸ How you say, as far as speaking is concerned, they are from village backgrounds and from government schools. Very difficult to speak and they have very shy nature. How you handle it? Okay. Some students belong to different villages and they have no sense how to speak in front of any unknown people. But our team provides some feedback. Due to this, students improve their speaking. And due to feedback, students also improve their grammar. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਮਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ